रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। देश के मुखी वरुण शर्मा और उनको समर्थन देने वाले राज विरोधी कांग्रेस और वामपंथियों को साथ में लाना आवश्यक है और इसीलिए खड़े हो रहा है। करते हैं आगे और इस प्रकार टुकड़े टुकड़े रहेगा देश को टुकड़े बड़ा करा चुका है मंत्रिपा फिर राज्यों छोड़ने नहीं देंगे का कि एक धर्म से दूर रखा जा रहा है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी मुसलमान को हम इंडिया में पना देंगे क्या? पाकिस्तानी मुसलमान को क्यों देंगे? बांग्लादेशी मुसलमान को क्यों देंगे? अफगानिस्तानी मुसलमान को? अरे भैया आप लोग पढ़ते नहीं है क्या? आप लोग पढ़ना चाहिए कि जो धार्मिक उन्मूलन का शिकार वैसे लोग क्योंकि पाकिस्तान में बांग्लादेश में अफगानिस्तान में वहाँ इस्लामिक राष्ट्र है इसलिए हिंदुओं के साथ अन्याय होता है। वैसे अन्याय झेलने वाले हिंदुओं को पारसियों को ईसाइयों को सिखों को जैन को और बुद्ध को ये देने का प्रावधान किया गया फिर मुसलमान बीच में कहाँ से टपक पड़ता है। अच्छा ये सीए जो है वो धर्म के नाम पे है या इंसानियत के नाम पे है? ये कानून के अनुसार है भारत के संविधान के अनुसार है। जो लोग कैसा इंसानियत कैसी इंसानियत की बात करते हो? बोल रहे कि प्रताड़ना की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। अरे कैसा इंसानियत की बात करते हो? जुलूस निकालते हो तोड़ फोड़ करते हो यही इंसानियत है। सरकार अगर लागू नहीं करेगी तो क्या करेंगे? इंडिया के होते डर कैसा है? हाथ चुप्पे चोरी है घर कैसा है? पाकिस्तान में ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करते हैं लगातार गद्दारों को गोली मारने की बात हो रही है। नारा भी आप ऐसे नारों का समर्थन करते हैं? नहीं भैया देखो एक बात बताइए भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करना चाहती है लेकिन इसका भी विरोध करती है निकालते हैं तोड़फोड़ करते हैं उस समय तो आप लोग चुप रहते हैं उस समय सर हम सब कुछ दिखाते हैं लेकिन ये ऐसा बोलते हो ना यार नहीं बोलते हो लेकिन सर तो फिर नहीं सर बस हम इतना मीडिया सभी क्या आप ऐसे स्लोगन को समर्थन करते हैं? नहीं ये स्लोगन का मैं व्यक्तिगत रूप से कोई समर्थन नहीं करता हूँ भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना ही जानती है कि सीए देश में लागू होकर रहेगा कानून बन चुका अब ये लागू होगा ये जितने जो है ना डफली वाले और जितने जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है ना ये सब सारे का अब कोई इस देश के अंदर ऐसे लोग करेंगे तो ऐसे लोग का ठोकाई में देश में रहना है वंदे मातरम आप बोलिए तो वंदे मातरम बंद सर मैं क्यों नहीं वंदे मातरम बोलूंगा आप सर मेरी परीक्षा लीजिएगा अभी से मैं कह रहा हूँ सर आपके यहाँ वंदे मातरम इसमें क्या है सर मैडम मेरी भारत माता है बोलने वाला है उसको पता है सीए है क्या? हेमंत सोरेन जी सीए का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी लागू नहीं अभी उसी बात नहीं हुई तो क्या लागू होगा क्या एनआरसी? चलिए आगे आगे चलिए जो कि बीजेपी से अभी फिर चुने गए इस बार विधायक लगातार विधायक चुनते गए हैं और साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये के लोग विरोध कर रहे हैं हालांकि मैंने जब उनसे इस गोली मारने की बात की तो उन्होंने मेरा टेस्ट लेना शुरू कर दिया कि क्या आप वंदे मातरम बोल सकते हैं। वाकई हास्यास्पद होता है कि कोई एक पत्रकार से ये जानने की कोशिश करने लगता है उसकी
राष्ट्रीयता, उसके अंदर कितनी देश को लेकर भक्ति है। तो वाकई ये हास्यास्पद ही लगता है कि एक कोई आके एक पत्रकार से कह रहा है वंदे मातरम बोलो, तो बहुत ही हास्यास्पद है। हालांकि जो सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम लागू करके रहेंगे सीएए, इसमें कोई बाड़ा आएगी उसको हम क्लियर करेंगे। निकले स्टाडी न्यूज, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।